धमतरी में आयोजित संकल्प शिविर में सम्मिलित होने के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के 21 प्रत्याशियों के नाम तय होने पर कसा तंज। सीएम बघेल ने कहा कि कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री का पत्ता साफ हो गया, ओपी चौधरी का भी पत्ता साफ हो गया। तीसरा सबसे चौंकाने वाला टिकट विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन वह तो रमन सिंह के भांजे हैं। क्या रमन सिंह और उनके बेटे का पत्ता साफ होने वाला है? विक्रांत सिंह को टिकट मिलना क्या संकेत है? कल 21 लोगों की सूची जारी हुई। पहली बात यह है कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व गृह मंत्री, उसका पत्ता साफ हुआ रामसेवक पैकरा का। दूसरा, जो घर भर पाने वाले हैं ओपी चौधरी, उसका खरसिया से पत्ता साफ हो गया। तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला जो टिकट है वो विक्रांत सिंह का है। परिवारवाद नहीं चलेगा तो रमन सिंह के भांजे हैं, तो रमन सिंह जी और उसके बेटे के पत्ती का साफ होने करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ये तो कल जो रिजल्ट आया उसके सबसे बड़ी खबर तो यही होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया नहीं है। विक्रांत सिंह के टिकट मिलना क्या संकेत है? परिवारवाद कि रमन सिंह को शायद अब टिकट ना मिले, अभिषेक सिंह के टिकट को शायद ना मिले। ये कल के जो सूची है उसकी सबसे बड़ी खबर थी।